नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की अनाउंसमेंट होने के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई है। कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा है, अंतिम मुहर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बात मोतिहारी लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं हम। देखिए, मोतिहारी लोकसभा सीट जहां से सांसद हैं राधा मोहन सिंह, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है मोतिहारी को, और ऐसे में मोतिहारी लोकसभा सीट पर दावेदारी एनडीए के ओर से भी कई लोगों की है, महागठबंधन यानी इंडिया के ओर से भी कई लोगों की है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने खबर है कि मोतिहारी लोकसभा सीट पर कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। देखिए, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, आरजेडी ने मोतिहारी लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। और कैंडिडेट के बारे में बताएं, इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोतिहारी सीट से देखिए आरएलएसपी ने चुनाव लड़ा था, आकाश सिंह आरएलएसपी के कैंडिडेट हुए थे, और महागठबंधन की ओर से मैं बात कर रहा हूं, और आकाश सिंह को बड़ी मार्जिन से पराजित किया था मैदान में राधा मोहन सिंह ने। चंपारण के सियासत के राजनीति के भीष्म पितामह राधा मोहन सिंह को कहा जाता है। लेकिन जातीय समीकरण लालू प्रसाद यादव भी मोतिहारी में बैठा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और लालू यादव ने मोतिहारी में इस बार जो कैंडिडेट भेजा है, खबर है कि मुहर लगा दी है लालू प्रसाद यादव ने चुनावी मैदान में। अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होना है। तो कौन है आरजेडी के कैंडिडेट, महागठबंधन के कैंडिडेट, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो मोतिहारी के चुनावी रण में उतरेंगे, जहां पर आबादी हर जाति की दमदार है। देखिए, मोतिहारी में इस बार आरजेडी की पूरी प्लानिंग है कि कोयरी और कुशवाहा वोटरों को अपने ओर सिमटने की। और मालूम है आपको, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के कोर वोटर मुसलमान कहे जाते हैं, यादव कहे जाते हैं, बीजेपी वैसे को अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन जिस तरीके से मोतिहारी की चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहां पर अब महागठबंधन यानी आरजेडी ने उस दल के नेता को उतारा है, उस व्यक्ति को उतारा है जो चुनावी मैदान में कोयरी कुशवाहा वोटरों को अपने ओर सिमटेंगे। देखिए, राजेश कुशवाहा नाम है, पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं, 2015 के चुनाव में वो विधायक भी रहे हैं। और आपको मालूम है डॉक्टर राजेश के बारे में, केसरिया से विधायक रहे 2015 में, और साथ ही साथ 2020 के चुनाव में वहां से टिकट काटा था तेजस्वी यादव ने डॉक्टर राजेश का। और तभी इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि डॉक्टर राजेश को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है 2024 के। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है, डॉक्टर राजेश ने केसरिया विधानसभा सीट से निर्दलीय ही ताल ठोक दिया था, और वहां महागठबंधन के कैंडिडेट की हार लगभग 9300 वोटों से हुई थी, और उस हार के पीछे सभी लोग जिम्मेवार थे। एक और यादव जी चुनाव लड़े थे, एक सिंह जी चुनाव लड़े थे, डॉक्टर राजेश जो है वो 17,000 से अधिक वोट काटे थे निर्दलीय होकर। तो ऐसे में डॉक्टर राजेश पर लालू यादव ने दांव खेल दिया है मोतिहारी में। देखिए, अब राधा मोहन सिंह के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको मालूम है बीजेपी के अंदर ही मोतिहारी में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, एक कुनबा राधा मोहन सिंह के साथ है, तो राधा मोहन सिंह के खिलाफ में भी भाजपा के लोग खड़े हो गए हैं। ऐसे में डॉक्टर राजेश कितना कुछ कर पाते हैं मोतिहारी में, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि हर बार मोतिहारी में कैंडिडेट बदल बदल कर लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी या फिर कांग्रेस अजमाती है, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है, राधा मोहन सिंह सब पर भारी हो जाते हैं। तो इस बार डॉक्टर राजेश को टिकट दिया है आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। टिकट के रेस में मनोज यादव जो कल्याणपुर से एमएलए हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं आरजेडी के, उनके नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन खबर है कि डॉक्टर राजेश के नाम पर मुहर लग चुका है। तो मोतिहारी का चुनावी मिजाज कैसा है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप लगातार टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।